हेलो व्यूअर्स, मैस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं और मेष राशि में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक राहु और गुरु की युति क्रिएट हो रही है जिसका नाम गुरु चंडाल योग दिया गया है। हालांकि ये नाम सुनने में बहुत ज़्यादा भयावह लगता है, लेकिन क्या वास्तव में इसका इतना भयानक रूप है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और ये सभी लग्न और राशि वालों पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जानने से पहले हमें दोनों के नेचर को जानना जरूरी हो जाता है कि गुरु किस नेचर के हैं और राहु किस नेचर के हैं। तो जैसा कि आप भी जानते होंगे कि गुरु एक सात्विक ग्रह हैं, वे शिक्षा को, ज्ञान को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म, ये सब इनका कारक चीज़ है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट राहु जो हैं वे तामसिक ग्रह हो जाते हैं। वे किसी भी चीज़ को तुरंत पाना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। दुनिया की जितनी भी निगेटिविटी है वे सब राहु के अंदर भरी हुई है। अगर ये किसी व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं तो लोग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। जुआ, सट्टा, शराब, लॉटरी, ये सब कहीं ना कहीं फील्ड राहु के अंतर्गत ही आते हैं। हालांकि कुछ अच्छे फील्ड भी हैं जैसे मीडिया वगैरह हो गया, ये सब राहु के अधीन आता है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जब राहु गुरु के साथ मिल रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है एक नैसर्गिक रूप से सबके ऊपर। तो मित्रों, राहु एक अंधेरा ग्रह है, एक छाया ग्रह है, और वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति जो है एक प्रकाश के ग्रह हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इन योगों से कौन ज़्यादा इफेक्टेड होगा। क्या राहु की बुराइयाँ समाप्त हो जाएगी या गुरु की अच्छाइयाँ समाप्त हो जाएगी? तो मित्रों, नेचर को तो कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि गुरु का जो नेचर है वो गुरु के पास ही रहेगा और राहु का जो नेचर है वो राहु के पास ही रहेगा। ये आपस में मिलकर भले डिग्री वाइज कितना भी नज़दीक चले जाएं, लेकिन ये एक दूसरे के नेचर को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, वे प्रकाश के लौ को कभी भी नहीं बुझा सकता है। लेकिन हाँ, एक प्रकाश के अंदर इतनी ताकत होती है कि वे अपने किरणों से घनघोर अंधेरा को भी चीर कर रोशनी में तब्दील कर सकता है। तो गुरु में कुछ इसी तरह का पावर है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अंधेरा बहुत ज़्यादा घना हो तो वैसे स्थिति में अत्यधिक प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी, अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके हिसाब से भले बृहस्पति को राहु को सुधारने में या राहु को तब्दील करने में थोड़ा उनकी एनर्जी लॉस हो जाए, वे कमज़ोर पड़ जाएं, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी भी वे राहु के गुण और धर्म को नहीं अपना सकते हैं। हाँ, ये मजबूर जरूर कर सकते हैं कि राहु उनका गुण धर्म एक्सेप्ट कर ले। तो मित्रों, अंगुलीमाल डाकू के बारे में आपने सुना होगा, वह एक लुटेरा था, लोगों की उंगलियां काट लिया करता था, उनका धन दौलत जो भी था वह छीन लिया करता था। लेकिन जब वह गौतम बुद्ध के सामने गया तो क्या उनको वह लूट पाया? नहीं। अंततः उसे जो भी वह कर्म करता था उसे छोड़ना पड़ा और गुरु के शरण में जाना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं असत्य पर सत्य की विजय होती है, भले देर जरूर होता है। तो अंधकार कभी भी प्रकाश को नहीं मिटा सकता, लेकिन एक प्रकाश के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि वह अंधकार को दूर कर सकता है। तो बृहस्पति एक ज्ञान के ग्रह हैं, सद्मार्ग पर चलने वाले ग्रह हैं, और जिन पर ये हावी होते हैं भले उनको थोड़ा तकलीफ देते हैं, संकट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वे व्यक्ति को प्रोग्रेसिव बनाते हैं, सही मार्ग से बनाते हैं। राहु उस तरह के नेचर रखने वाले ग्रह नहीं हैं, ये बिल्कुल उनके विपरीत नेचर के हैं। दुनिया में जितने भी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं या फिर एडिक्शन के शिकार हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब खेलते हैं, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस राहु का हाथ जरूर होता है।
अब देखना यह है कि राहु और गुरु की युति बन रही है, वह भी मेष राशि में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जान ले मित्रों कि न बृहस्पति जा रहे हैं मदिरालय में और न राहु जा रहे हैं देवालय में। इन दोनों की मुलाकात एक रण क्षेत्र में हो रही है और वह रण क्षेत्र है मंगल का स्थान। तो अब यहाँ पर किस तरह की आपस में इन लोगों की युति फल लाएगी, आइए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं प्रत्येक राशि और लग्न वालों के लिए। तो मेष राशि पर तो मैंने वीडियो बना दिया है और आज अब हम लेते हैं वृष राशि के ऊपर। ये रहा वृष राशि वालों की कुंडली। वृष राशि में ये द्वादश भाव में योग लग रहा है, तो जो भी व्यक्ति विदेश से किसी भी तरह का संबंध रखते होंगे, चाहे वह MNC में काम करते हों या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हों या अभी तक विदेश वगैरह जाने के बारे में सोच रहे थे, राहु किसी न किसी वजह से इनको बाधित किए हुए था, सस्पिशन में डाले हुए था, फैसला नहीं कर पा रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे, तो अब बृहस्पति का साथ मिलने वाला है। यदि आप विदेश वगैरह का पहले से प्लानिंग कर रहे थे तो ये बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको मौका देंगे कि आप आराम से विदेश जा सकते हैं। वीजा वगैरह आपका रुका हुआ था किसी कारण से, तो ये बृहस्पति उसमें आपको फायदा पहुंचाने वाला है। MNC वगैरह में काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई शुभ समाचार आपको विदेश से आ सकता है। राहु जब तक यहाँ रहेंगे अक्टूबर नवंबर तक, तो बहुत ही तेजी से कोई ना कोई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी राहु कहीं ना कहीं वृष राशि में अच्छे फल देते हैं और गुरु तो खैर गुरु हैं ही, तो राहु और गुरु की जो युति है वृष राशि वालों के लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है, खास करके वैसे मामले में जो विदेश से जुड़ा हुआ है या यात्राओं से जुड़ा हुआ है। अब इनकी जो दृष्टियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक दृष्टियां इनकी आ रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन सुख भौतिक सुखों का है, माता का भी है, तो कहीं ना कहीं ये भाव भी आपका उत्तम रहने वाला है। भौतिक सुखों की उपलब्धि होगी, माता का भी सुख मिलेगा। यदि आप माता से बहुत दूर रह रहे होंगे तो ये आपको मौका देंगे बृहस्पति कि आप अपनी माँ का जाकर सेवा कीजिए। प्रॉपर्टी वगैरह की कोई खरीदारी करना चाहते थे तो यह समय आपके लिए बेटर है, क्योंकि बृहस्पति की नज़र पड़ रही है। अब एक दृष्टि इनकी आ रही है आपके यहाँ षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव ऋण का होता है, रोग का होता है और शत्रु का होता है, तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर तो कोई शुभ प्रभाव नहीं करेगी, लेकिन ये राहु की भी दृष्टि यहाँ पर संयुक्त रूप से है। हालांकि राहु की दृष्टि उतनी प्रबल नहीं मानी जाती है क्योंकि एक छाया ग्रह है, छाया ग्रह की दृष्टि को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टियों को ज्योतिष शास्त्र में महत्व दिया गया। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि एक काम करेगी कि किसी भी तरह का ऋण रोग और शत्रु को आपके जीवन में पनपने नहीं देगी। यानी वृष राशि वालों के लिए ये भाव का भी भले राहु के वजह से ही अच्छा फल मिले, लेकिन अच्छा फल मिलने वाला है। आपके पास कोई भी किसी भी तरह का कर्ज नहीं होगा, और अगर कर्ज होगा भी तो अचानक समाप्त हो जाएगा, कहीं से एक मुश्त रकम आपके पास आ जाएगी जिसकी आप भरपाई कर दीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है कोई भी काम ये अचानक करते हैं और तेजी से करते हैं। और एक दृष्टि इनकी जा रही है बृहस्पति की आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव खुद का इनका बृहस्पति का भाव है, हालांकि ये दुखों का भाव होता है, लेकिन बृहस्पति के दृष्टि के वजह से आपको अभी तक जो चिंताएं थी दुख थी वो सारे मिटते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस भाव में भी बृहस्पति आपको अच्छा फल करने वाले हैं। तो मित्रों ये रहा राहु और गुरु के चंडाल योग का प्रभाव। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।